तो और इस वक्त मैं हूँ द्रौंदा प्रखंड के धनौती गांव में। न्यूज इंडिया तक इस खबर को दिखाया था कि इस गांव में वैसे तबके के लोग रहते हैं जो गरीब हैं, असहाय हैं, जिनको खाने पीने का सामान नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर इस बात का संज्ञान एक शख्स ने लिया है और उस शख्स ने अपने निजी कोष से इन लोगों के बीच राहत सामग्री का वितरण कर रहे हैं। और सबसे पहले उन्हीं से हम बात करेंगे जो शख्स हैं और राशन कोष अपने वितरण कर रहे हैं। सबसे पहले वीरेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने किस उद्देश्य को लेकर ये चीज़ आपने बांटने का देखा। देखिए, सबसे पहले ये है कि हमने सोचा कि कोई भी सरकारी सहायता, कोई भी सरकारी जनप्रतिनिधि कोई गरीबों का सुध लेने वाला नहीं है। तो हमने इस पे संज्ञान लेते हुए हमने ये डिसाइड किया कि जो हमारे गांव की विधवाएं हैं, असहाय हैं, दिव्यांग हैं, जिनको कोई सहारा नहीं है, उनको एज अ सहारा हमने कुछ राहत सामग्री का वो वितरण करने का प्रस्ताव मन में आया, जिसको आज हमने उस सामग्री को कुछ समाजसेवी लोगों के सहयोग से इसका वितरण का कार्य आज हमने संपन्न कराया। ये देखिए, यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे हम रिएक्शन ले लेते हैं। सबसे पहले आप बताइए कि वीरेंद्र जी एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उभर रहे हैं और वो अपने निजी कोष से राहत सामग्री वितरण कर रहे हैं, कैसा प्रतीत हो रहा आप लोग? हम तो वीरेंद्र जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करेंगे और पूरे ग्रामवासियों, हरसर पंचायत सहित उनको लक्ष्य जो सोच है इस पर काबिल रहने के लिए प्रार्थना करेंगे। और ये बहुत बढ़िया अपना कदम रखे हैं, इनमें हम लोगों को भी सहयोग करना चाहिए और पूरे जनता को भी इनका। आपके पंचायत से कोई जन प्रतिदिन नहीं उभरे, एक नॉर्मल सा शख्स उभर कर राहत सामग्री बांट रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो भी जिला परिषद दे है या मुखिया हैं या BDC हैं, उन लोग की कोई क्रियाकलाप नहीं रहा, लेकिन ये जो शख्स हैं ये हमारे हमारे गाँव के प्रति नहीं, पूरे पंचायत के प्रति ये कदम आगे चल रहे हैं, हम इनके साथ हाथ मिला के। जी बिल्कुल, देखिए इन लोगों का सीधा सा कहना है कि इस पंचायत के कोई भी जन प्रतिनिधि सामने नहीं आए हैं राहत सामग्री बांटने को लेकर, लेकिन एक शख्स नाम निकल कर आया है, वीरेंद्र कुशवाहा, जो अपने निजी कोष से राहत सामग्री इन असहाय गरीब तबके के लोगों के बीच वितरण कर रहे हैं। थोड़ा सा दिखाइए इनको कि कैसे यहाँ पे वितरण किया जा रहा है और एक एक झोले में सामान का पैकेज किया जा रहा है और इन लोगों को दिया जा रहा है। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि जिस पंचायत के कोई जन प्रतिनिधि अभी तक राहत सामग्री नहीं बांट रहे हैं, उस पंचायत की दशा और दुर्दशा क्या होगी। कैमरा पर्सन आकाश के साथ ब्रजेश तिवारी, दरौंदा।